और सबसे पहले मुख्य समाचार। सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए जारी किए नए दिशा निर्देश। कहा, भ्रामक खबरों के प्रसार पर रोक लगाना जरूरी। ओटीटी प्लेटफॉर्म संचालकों के लिए सख्त हुए नियम। कैबिनेट बैठक में लिए गए 7 अहम फैसले। मुख्यमंत्री घसियारी योजना शुरू करने को मंजूरी। पशुपालकों को सस्ते दामों पर मिलेगा पशु चारा। मुख्यमंत्री ने अल्मोड़ा के सल्ट विधानसभा की विभिन्न योजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। दिवंगत विधायक सुरेंद्र सिंह जीना की स्मृति में हर साल होगी एडवेंचर मीट। क्षेत्र के लिए की 14 घोषणाएं। और राज्य के 2 बहादुर बच्चों का राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार के लिए चयन। रामनगर के सनी कश्यप और पिथौरागढ़ के मोहित चंद्र उप्रेती को मिलेगा सम्मान। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर ने सोशल मीडिया और ओवर द टॉप ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि इसके दायरे में फेसबुक, ट्विटर जैसे सोशल मीडिया और नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, हॉटस्टार जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को रखा गया है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भारत में व्यापार करें उनका स्वागत है, लेकिन ये भी सच है कि सोशल मीडिया पर अभद्रता भी परोसी जा रही है। उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया के नियम 3 महीने में लागू होंगे। सोशल मीडिया को इस बात का प्रबंध करना होगा कि यूजर्स के अकाउंट का वॉलेंट्री वेरिफिकेशन कैसे किया जाए। सबसे पहले पोस्ट डालने वाले की जानकारी भी उन्हें देनी होगी। साथ ही शिकायत मिलने के 24 घंटे के भीतर आपत्तिजनक पोस्ट, खासकर महिलाओं से जुड़ी पोस्ट को भी हटाना होगा। इस नए गाइडलाइन का पर्पस क्या है? सोशल मीडिया खुद ये काम करें और उनके यूजर्स से करवाएं। हम सरकार का हस्तक्षेप कम से कम चाहते हैं, इसीलिए एक वॉलंटरी मैकेनिज्म सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म क्रिएट करें और उनके रजिस्ट्रेशन कराएं। उनका मोबाइल तो उनके पास ही है, सिम कार्ड है, आधार कार्ड है, क्या करना है उनको तय करना है। लेकिन हम जरूर चाहते हैं, अपेक्षा होगी कि ये वेरिफिकेशन जरूरी है, वरना वो भारत से ट्वीट हो रहा है, रिट्वीट हो रहा है, विदेश से हो रहा है, पाकिस्तान से हो रहा है, कहीं ना कहीं तो इसके बारे में एक मैकेनिज्म होना चाहिए। तो एक ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म रखना पड़ेगा। Who shall register the grievance within 24 hours and disposal in 15 days? केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि नए नियमों के तहत अब ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए 3 स्तरीय व्यवस्था होगी। उनको सेल्फ रेगुलेशन बनाने के लिए कहा गया है। ओटीटी और डिजिटल मीडिया के लिए पंजीकरण और अस्वीकरण की जानकारी अनिवार्य कर दी गई है। किसी भी पोस्ट को हटाने पर यूजर को सूचना देनी होगी, साथ ही हटाने का कारण भी बताना होगा। डिजिटल मीडिया को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरह ही नियमों का पालन करना होगा। शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति भी करनी होगी। ये अधिकारी भारत में ही होना चाहिए। हर सोशल मीडिया कंपनी को इस बात का रिकॉर्ड रखना अनिवार्य होगा कि उनके पास प्रति माह कितनी शिकायतें आईं और कितनों का निवारण किया गया। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर फेक न्यूज की भरमार है। सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल की शिकायत के लिए फोरम होना चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल को भी रोकना जरूरी है। ओटीटी प्लेटफॉर्म में एक और है कि अभी सेंसर बोर्ड होता है फिल्म वालों को, लेकिन ओटीटी को सेंसर बोर्ड नहीं है। तो हमने कहा है सेल्फ क्लासिफिकेशन ऑफ एज रिलेटेड इश्यूज टू बी सॉल्व एंड उसका एक प्रोसेस हो कि 13 से ऊपर 13+, 16+ एंड ए कैटेगरी देयर हैज टू बी ए मैकेनिज्म ऑफ पेरेंटल लॉक एंड इंश्योरिंग कंप्लायंस दैट चिल्ड्रेन डोंट सी दैट। आज राज्य मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बैठक में 7 प्रस्तावों पर चर्चा की गई और सभी 7 प्रस्तावों को कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दी है। इनमें मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना को मंजूरी शामिल है। वर्तमान में पशुपालकों को पशुचारे पर प्रति किलोग्राम करीब 15 रूपये खर्च करने पड़ रहे हैं। सरकार की योजना है कि पहाड़ों में चारा करीब 3 रूपये प्रति किलोग्राम की दर से मिले। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं के सिर से घास का बोझ कम करना है। इस योजना के तहत सस्ते गल्ले की
तरह प्रदेश में 7771 केंद्रों के माध्यम से गांव तक पशुओं के लिए सस्ता चारा उपलब्ध कराया जाएगा। बैठक में महाकुंभ को देखते हुए प्रस्तावित 1000 बेड के कोविड अस्पताल की जगह अब 50 आईसीयू बेड समेत पहले से बने अस्पतालों की क्षमता बढ़ाकर 600 बेड किए जाने का फैसला लिया गया। एक अन्य फैसले के तहत पुलिस दूरसंचार सेवा नियमावली में प्रमोशन को लेकर संशोधन किया गया। कैबिनेट ने संस्कृत विद्यालयों में कार्यरत ऐसे 57 शिक्षकों को जो विद्यालय में सृजित पदों के सापेक्ष कार्यरत नहीं थे लेकिन पाठ्यक्रम में निर्धारित विषयों को पढ़ा रहे थे उनको भी नियमित शिक्षकों की तरह ही बढ़ा हुआ वेतन देने का फैसला लिया है। वन भूमि पर दिए गए लीज के नवीनीकरण और नई लीज नीति को मंजूरी दी गई है। साथ ही कैबिनेट ने मंडी अध्यक्ष का पद सरकार द्वारा 1 साल के लिए नामित करने का फैसला लिया। नई योजना भी लागू मुख्यमंत्री घसियारी योजना करके इससे अलग वन विभाग से संबंधित लीज रेंट से संबंधित विषय पर भी चर्चा आज की जिसको किया। दूरसंचार अधिनियम सेवा नियमावली का प्रख्यापन किया गया। संस्कृत विभाग में जो बचे हुए अध्यापक थे 155 में से जो सब्जेक्ट के अलग थे उन सब पर ही मंजूरी दी गई। उत्तराखंड राज्य कृषि उपज पशुधन विपणन के अधिनियम धारा 87 में संशोधन से संबंधित था। एक 600 बेड का हॉस्पिटल था जो वहीं जो एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल है उसमें लेने की बात थी वो भी ली। जल जीवन मिशन में दो पद एक 600 बेड का हॉस्पिटल था जो वहीं जो एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल है उसमें लेने की बात थी वो भी ली और जल जीवन मिशन में दो पदों की अनुमति दी गई। उधर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री आवास से वर्चुअल माध्यम से अल्मोड़ा जनपद की सल्ट विधानसभा में 38,44,44,000 रूपये की विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। उन्होंने सल्ट विधानसभा क्षेत्र के लिए 14 घोषणाएं भी की जिनमें मर्चुला को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिए प्रत्येक वर्ष पर्यटन विभाग के सहयोग से स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह जीना की स्मृति में एडवेंचर बीट का आयोजन किए जाने की घोषणा भी शामिल है। मर्चुला को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किए जाने हेतु प्रत्येक वर्ष पर्यटन विभाग के सहयोग से स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह जीना जी की स्मृति में एडवेंचर मीट का आयोजन किया जाएगा। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय मानिला पुणीधार का नाम स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह जीना के नाम से किया जाएगा और वहां पर स्वर्गीय जीना जी की मूर्ति भी स्थापित की जाएगी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कुंभ मेले को सुरक्षित और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। कुंभ मेले की सुरक्षा व्यवस्था के लिए मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से 1000 पुलिसकर्मियों और 20 कंपनी पीएसी उपलब्ध कराने के लिए वार्ता करेंगे। कुंभ मेले में यह व्यवस्था 5 से 15 अप्रैल की अवधि के लिए जरूरी होगी। उन्होंने अधिकारियों को कोरोना से जुड़ी तैयारियों को भी जल्द पूरा कराने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी स्थायी निर्माण कार्यों को शीघ्र पूरा करने और अस्थायी निर्माण कार्यों को 15 मार्च तक पूरा करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सचिवालय में जल जीवन मिशन की समीक्षा की। उन्होंने पेयजल की शुद्धता के लिए प्रत्येक ब्लॉक और महाविद्यालयों में वाटर टेस्टिंग लैब की स्थापना करने की कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने गर्मी के मौसम में प्रदेश के जिन क्षेत्रों में पेयजल की कमी की आशंका रहती है ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित करने का काम 15 मार्च तक पूरा करने को कहा है। उन्होंने शहरी क्षेत्रों में पेयजल की आपूर्ति के लिए अर्बन जल जीवन मिशन की कार्ययोजना तैयार करने को कहा है। साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों में पेयजल की उपलब्धता का लक्ष्य अविलंब पूरा करने के भी निर्देश दिए। राज्य के दो बहादुर बच्चों का चयन राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार के लिए हुआ है। रामनगर के सनी कश्यप और पिथौरागढ़ के मोहित चंद्र उप्रेती का चयन भारतीय बाल कल्याण परिषद ने किया है। सनी कश्यप राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय मोती महल रामनगर में 8वीं के छात्र हैं। 12 साल के सनी ने 9 अगस्त 2020 को उफंती कोसी नदी में डूब रहे 22 साल के रवि कश्यप की जान बचाई थी। सनी ने युवक को बचाने के लिए कोसी बाईपास पुल से नदी में छलांग लगा दी और नदी में बह रहे युवक को बचा लिया। भाई कोचिन पुल के ऊपर से नीचे कूदा, फिर मैं गया उसे बचाने के लिए, मैंने उसे बचाया, फिर बाहर निकाला, पानी तेज था, मैंने उसकी जान बचाई, अच्छा लगा।
वहीं पिथौरागढ़ जिले के न्यू सेरा निवासी मोहित चंद्र उप्रेती ने 2016 में गुलदार से क्षेत्र के लोगों को बचाया था। उस दौरान 14 साल के मोहित नवी में पढ़ते थे। क्षेत्र में एक गुलदार का भय व्याप्त था। 14 फरवरी को गुलदार एक विद्यालय के पास जब नजर आया तो इससे पहले कि वो लोगों पर झपटता, मोहित ने अपने पास पड़ी दरी को गुलदार पर डालकर उसे पकड़ लिया। इस घटना के दौरान मोहित घायल भी हो गए थे। हालांकि ये मामला पुराना है, लेकिन फिर भी इसे विशेष श्रेणी में शामिल करते हुए मोहित को वीरता पुरस्कार के लिए चुना गया है। एंड मैंने 9th में बाघ पकड़ा था, तो उसी के लिए भारत सरकार मुझे वीरता पुरस्कार के लिए मेरा चयन हुआ है। 2 दिन पहले ही मुझे कॉल लेटर के माध्यम से पता चला। इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर द्वारा हर साल 25 बच्चों को यह अवार्ड दिया जाता है, जिनमें मेरा नाम भी है, तो इसलिए मुझे खुशी है। चमोली जिले के रैणी तपोवन में आई आपदा में टनल से मलबा हटाने का काम कल 19वें दिन भी जारी रहा। लापता 134 लोगों की तलाश लगातार की जा रही है। अब तक मिले 70 शव और 30 मानव अंगों में से 40 शवों और एक मानव अंग की शिनाख्त की जा चुकी है। जिन शवों की शिनाख्त नहीं हो पाई है उनका डीएनए संरक्षित किया गया है। जोशीमठ थाने में अब तक कुल 205 लोगों की गुमशुदगी दर्ज की जा चुकी है। जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने बताया कि अब तक 30 मृतकों के परिजनों को मुआवजा राशि जारी की जा चुकी है। वहीं प्रभावित क्षेत्रों में संचालित स्वास्थ्य शिविरों में 2251 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण और 223 पशुओं का भी इलाज चल रहा है। आपदा में लापता व्यक्तियों को मृत घोषित करने के लिए प्रक्रिया जारी की गई है। शासन से जारी गाइडलाइन के अनुसार लापता व्यक्तियों के मृत्यु प्रमाण पत्र बनाए जाएंगे। चंपावत जिले के टनकपुर रेलवे स्टेशन से कल से नई दिल्ली के लिए पूर्णागिरी एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन शुरू होगा। इसका शुभारंभ केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल वर्चुअली करेंगे। पूर्वोत्तर रेलवे इज्जतनगर के जनसंपर्क अधिकारी के अनुसार टनकपुर नई दिल्ली पूर्णागिरी जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन के संचालन की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वहीं राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने बताया कि 3 मार्च से कोटद्वार से सिद्धबली एक्सप्रेस का भी संचालन होगा। लच्छीवाला और बहादुराबाद में टोल टैक्स लगने का असर वाहनों के किराए पर भी नजर आ रहा है। रोडवेज की बसों में भी गढ़वाल कुमाऊं समेत उत्तर प्रदेश के कई रूटों का सफर महंगा हो गया है। बसों के किराए में 5 रूपये से 15 रूपये तक की बढ़ोतरी की गई है। लच्छीवाला रूट से रोडवेज की करीब 300 बसें रोजाना चलती हैं। इनमें गढ़वाल की टिहरी, पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग, ऋषिकेश, हरिद्वार, कोटद्वार, कुमाऊं के हल्द्वानी, रामनगर, टनकपुर, बागेश्वर, द्वाराहाट जाने वाली बसों के साथ ही उत्तर प्रदेश के बरेली, लखनऊ, आगरा की बसें भी शामिल हैं। परिवहन निगम के संचालन महाप्रबंधक दीपक जैन ने बताया कि लच्छीवाला और बहादुराबाद में टोल टैक्स लगने के बाद बसों के किराए में बढ़ोतरी की गई है। उन्होंने कहा कि जितना टैक्स लिया जा रहा है किराया उसके अनुपात में काफी कम बढ़ा है। अभी कुछ हाईवेज पे टोल नए लगे हैं, तो उस टोल को किराए में सम्मिलित किया गया है। तो उसमें जैसे एक डोईवाला के पास एक नया टोल बना है, एक बहादुराबाद पे बना है, इधर सहारनपुर रूट पे कुछ टोल बने हैं, तो उनमें किराए के 5 से लेकर 10 रुपए तक प्रति टिकट बढ़ा है। सरकार ने राज्य में सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ति के लिए पॉलिथीन कैरी बैग समेत प्लास्टिक और थर्माकोल से बने सिंगल यूज उत्पादों के उपयोग, उत्पादन और बिक्री पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया था। फैसले के बाद अब नगर निगम देहरादून भी पॉलिथीन का प्रयोग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी में है। नगर आयुक्त विनय शंकर पांडे 1 मार्च से जुर्माना वसूल करने के निर्देश चुके हैं। पॉलिथीन का प्रयोग करने वालों के खिलाफ निगम क्षेत्रों में अभियान चलाया जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने पर 100 रूपये से लेकर 5 लाख रूपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके लिए निगम की ओर से जागरूकता अभियान भी शुरू कर दिया गया है। सभी तरह की जो सिंगल यूज प्लास्टिक है, थर्मोकोल की प्लेट, ग्लास, चम्मच, इससे रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उस पर कठोर प्रतिबंध और उन पर जुर्माने का आरोपण किया गया है। और हम लोगों ने भी पिछले 3-4 दिनों से एक अभियान की शुरुआत कर दी है। अभी हम लोग इस स्टेज में केवल लोगों के यहाँ से जो पॉलीथीन मिल रही है इसको जब्त कर रहे हैं, अभी जुर्माना इम्पोज नहीं कर रहे हैं, लेकिन 1 मार्च से अभियान पूरी ताकत से प्रारंभ होगा। लोगों को बिल्कुल जानकारी दे दी गई है, अनाउंसमेंट भी करा दिया गया है।
टिहरी जिले के जाखणी धार के सुदूर ग्राम पंचायत सेमलड़ी धार में क्विक रिस्पांस टीम यानी क्यूआरटी शिविर आयोजित किया गया। इसमें मुख्य विकास अधिकारी अभिषेक रूहेला ने जन शिकायतों की सुनवाई की। शिविर में 72 शिकायतें मिली, जिनमें से 19 शिकायतों का तुरंत समाधान किया गया। शेष शिकायतों पर 15 दिन के भीतर कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। विभागीय स्टॉलों पर लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। इस मौके पर मुख्य विकास अधिकारी एवं जनप्रतिनिधियों ने पूर्ति विभाग द्वारा बनाए गए 18 प्लास्टिक राशन कार्ड लाभार्थियों को वितरित किए। लगभग 70 से अधिक शिकायतें हमें प्राप्त हो गई हैं और इन पे निस्तारण की कार्रवाई गतिमान है, और साथ ही साथ हमने यहाँ पे जो विभिन्न विभागों के स्टॉल्स हैं उनको भी लगवाए, जिसके माध्यम से विभिन्न विभागीय सामग्री का वितरण लोगों को कर सकें। साथ ही साथ जो पीवीसी के हमारे राशन कार्ड हैं उनका वितरण भी लाभार्थियों को किया गया है। प्रयास ये है कि अधिक से अधिक लोगों की समस्याएं निस्तारित कर सकें हम, और उनको जो भी विभागीय सुविधाएं हैं उनको यहीं पे उपलब्ध कराएं। शिविर में आए एक लाभार्थी का कहना है कि क्यूआरटी के जरिए उनकी शिकायत का तुरंत समाधान हो गया। दो सालों से राशन कार्ड और राशन नहीं दी जा रही थी, तो मैंने यहाँ पे कंप्लेंट लेटर लिख के, मैं सबको लेटर लिख के, अभी मेरा राशन कार्ड का संवेदन पूरा हो चुका है। अभी उन्होंने कहा कि आपको राशन कार्ड और राशन दिया जाएगा। उत्तराखंड के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए जारी किए नए दिशा निर्देश। कहा, भ्रामक खबरों के प्रसार पर रोक लगाना जरूरी। ओटीटी प्लेटफॉर्म संचालकों के लिए सख्त हुए नियम। कैबिनेट बैठक में लिए गए 7 अहम फैसले। मुख्यमंत्री घसियारी योजना शुरू करने को मंजूरी। पशुपालकों को सस्ते दामों पर मिलेगा पशु चारा। मुख्यमंत्री ने अल्मोड़ा के सल्ट विधानसभा की विभिन्न योजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। दिवंगत विधायक सुरेंद्र सिंह जीना की स्मृति में हर साल होगी एडवेंचर में। क्षेत्र के लिए की 14 घोषणाएं। और राज्य के 2 बहादुर बच्चों का राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार के लिए चयन। रामनगर के सनी कश्यप और पिथौरागढ़ के मोहित चंद्र उप्रेती को मिलेगा सम्मान। उत्तराखंड की खबरों के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DDNews_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DDNews उत्तराखंड, और हमारे यूट्यूब चैनल DDNews उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क अनिवार्य रूप से और सही ढंग से प्रयोग करें। साथ ही सामाजिक दूरी का ख्याल रखें, नियमित रूप से हाथ धोएं, और याद रखें कोरोना को हराना है मास्क जरूर लगाना है। इसी के साथ बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।